नमस्कार मित्रों, मैं हूँ निताहिर। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं खांडवी। खांडवी एक गुजराती रेसिपी है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना शुरू करें। खांडवी बनाने के लिए हमने यहाँ 1 कप लिया है बेसन का आटा और 1 कप लिया है दही। हमने यहाँ 2 कप दही लिया है, लेकिन पहले हम 1 कप दही डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। अच्छा मिक्स हो जाए तब हम उसमें 2 कप दही डाल देंगे। हमने यहाँ 2 कप दही और 2 कप हम पानी लेंगे। अगर आपके पास दही बहुत खट्टा है तो आप 1 कप दही और 3 कप पानी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। मिक्स करने के बाद हम उसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है वो डाल देंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद हम उसको एक छन्नी में छान लेंगे। खांडवी बनाने का बेटर हमारा तैयार है। यहाँ हमने गैस ऑन किया और एक पैन रखा है, इसमें हम बेटर को डाल देंगे। गैस की फ्लेम हम स्लो रखेंगे और लगातार हम इसे चलाते रहेंगे। खांडवी का बेटर बनाने के लिए हमें एक बात का इसमें ध्यान रखना है कि हमें लगातार ऐसे चलाते ही रहना है इसको। अगर हमने कुछ सेकंड के लिए इसको छोड़ दिया तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी और बेटर अच्छा नहीं बनेगा। बेटर बनने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। गैस की फ्लेम हम स्लो रखेंगे। देखिए कितना गाढ़ा बेटर हो चुका है। बेटर हमारा बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा बेटर हमने बनाया है। यहाँ हमने एक प्लेट लिया है, उसको हमने उल्टा करके तेल लगाकर ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर हम खांडवी का बेटर डालेंगे। बेटर हमें गरम गरम ही फैलाना है, अगर वो ठंडा हो गया तो अच्छे से फैलेगा नहीं। अच्छे से फैला देंगे इसको। अच्छे से फैला दिया है। यहाँ हम एक दूसरी प्लेट भी लेंगे, इसमें भी हम बेटर डाल के अच्छे से फैला देंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसके ऊपर ऐसे नाइफ की मदद से कट लगाएंगे। और ऐसे रोल बनाएंगे। देखिए बहुत ही आसानी से रोल बन रहा है, आप देख सकते हैं। रोल हमें तभी बनाना है जब ये हमें प्लेट पर वो फैला के रखा है, वो अच्छे से ठंडा हो जाए तब। अगर थोड़ा सा भी वो गर्म रहेगा तो रोल ऐसा नहीं बनेगा। ठंडा होने के बाद ही हम इसे रोल बनाएंगे। सारे रोल हम ऐसे बना लेंगे, बहुत आसानी से रोल बन रहा है। दूसरी प्लेट्स भी हमने लिया है, इसका भी हम ऐसे ही रोल बना देंगे। हमने यहाँ 1 कप बेसन लिया था, इसका हमने 3 प्लेट ऐसे बनाया है। हमने यहाँ 2 ही प्लेट दिखाया है। बहुत आसानी से रोल बन रहे हैं। खांडवी हमारी तैयार है। अब हम उसके ऊपर तड़का लगाएंगे। यहाँ हमने एक तड़का पैन लिया है,
इसमें हम एक चम्मच तेल डालेंगे। तेल अच्छा गर्म हो जाए तब हम उसमें एक चम्मच राई डाल देंगे और एक चम्मच लिया है हमने तिल वो भी डाल देंगे। एक हमने हरी मिर्च ली थी वो हमने बारीक काट लिया और लिया है हमने करी पत्ता 10 से 12। खांडवी का तड़का हमारा तैयार है। ये तड़का हम इस खांडवी के ऊपर लगा देंगे। खांडवी हमारे खाने के लिए तैयार हो चुकी है। हरा धनिया का पत्ता से गार्निशिंग करेंगे। खांडवी हमारी तैयार है। आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।